सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी 29 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। सीएम ने कहा कि दो चरणों की 12 सीटों में बीजेपी जीत रही है और शेष 17 अन्य सीटों पर भी बीजेपी चुनाव जीतेगी। वहीं भोपाल के लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा के पक्ष में रोड शो भी निकाला गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज हुजूर विधानसभा रोड शो में यहां पर शामिल हुए हैं। सर, आज भव्य रोड शो में शामिल हुए हैं, आप क्या लगता है? निश्चित रूप से भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतने की तरफ बढ़ रही है। भोपाल की जनता जिस ढंग से स्वागत कर रही है अपने प्रत्याशी का, भाजपा कार्यकर्ताओं का, मैं रामेश्वर शर्मा जी की विधानसभा कोलार क्षेत्र में घूम रहा हूं और जिस ढंग का ये सैलाब उमड़ा है अपने आप बता रहा है कि भाजपा किस तरफ बढ़ रही है। हालांकि आपको दारोमदार पूरे प्रदेश की ही जिम्मेदारी है, आपको क्या लगता है भोपाल में तीसरे चरण मतदान होने वाला, भोपाल में किस तरीके? भोपाल सहित पहले तो दोनों चरण की 12 सीट हम जीत चुके हैं, बची हुई 17 सीट भी हम इसी ढंग से जीतने जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि चारों तरफ भाजपा में माहौल है, यानी माना जाए 29 की 29 सीटें भाजपा के खेमे में, रूप से 29 की 29 सीटें भाजपा जीत गई। तो स्पष्ट तौर से हमारे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद थे, जिनका मानना है कि प्रदेश की 29 में से 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आएंगी। आज हुजूर विधानसभा में आलोक शर्मा लोकसभा जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में आज यहां पर रोड शो करने आए हैं, जहां पर हजारों की तादाद में जनता शामिल हुई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में जनता के साथ में और जो विधायक रामेश्वर शर्मा है, लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा है, उनके साथ में आज भव्य रोड शो यहां पर किया जा रहा है। आगामी 7 मई को राजधानी भोपाल में तीसरे चरण का मतदान होना है और उसके पहले ही यहां पर भव्य तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री का दावा है कि 29 में से 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आएंगी। अभी तक 12 लोकसभा सीटों में जिनमें चुनाव हुआ है उनमें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, बची हुई 17 लोकसभा सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। कैमरामैन सुरेश कटियार के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।